चंडीगढ़ विच कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, उस तो परेशान प्रशासन ने हुन सख्त रुख अपनाया ते करफ्यू लाने की तैयारी की जा रही है। राजभवन च सोमवार नूं एक मीटिंग च प्रशासक वीके सिंह बदनौर ने कहा कि डॉक्टरां ते होर माहरां नाल गलबात तो बाद हुण लगता है कि शनिवार करफ्यू तो इलावा कोई होर चारा नहीं है। कोरोना वायरस नूं फैलण तो रोकण लई विश्व सेहत संगठन ने शुरुआत तो ही लॉकडाउन ना खोलण की सलाह दी सी ता जो लोग एक दूजे के संपर्क च ना आ सकन ते कोरोना नूं नत्थ पाई जा सके। इसके बावजूद सरकारां वल्लों लॉकडाउन च ढील कुछ इस कदर की दिती जा रही है जिसनों देख लगता ही नहीं कि लॉकडाउन भी लग्या होया। इसका सिट्टा यह निकल रहा है कि करोना के केस दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह चंडीगढ़ विच करोना पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं उस तो परेशान प्रशासन ने हुण सख्त रुख अपनाया है ते करफ्यू लाने की तैयारी की जा रही है। राजभवन च सोमवार को एक मीटिंग च प्रशासक वीके सिंह बदनौर ने कहा कि डॉक्टरां ते होर माहरां नाल गलबात तो बाद हुण लगता है कि शनिवार करफ्यू तो इलावा होर कोई चारा नहीं है। ट्राई सिटी विच वीकेंड करफ्यू लाजमी है ता जो असी करोना दे मामलियां नूं तय कर सकीए। सिटी सलाहकार मनोज परिंदा ने पंजाब हरियाणा के मुख्य सकत्र नूं एक पत्र भेज के अपनी राय मंगी है। पंजाब के मुख्य सकत्र ने सप्ताहिक करफ्यू तो स्पष्ट रूप में इनकार कर दिता है ते हरियाणा नूं कहा है कि वह मुख्यमंत्री नाल गल करन तो बाद अपनी राय देंगे। जे हरियाणा ते पंजाब वालों कोई सहयोग ना मिलिया ता चंडीगढ़ 14-15 दिनों लिए बंद रहेगा। प्रशासन ट्राई सिटी च एक वीकेंड करफ्यू चाहता है। मीटिंग दौरान माहरां ते डॉक्टरां द्वारा यह कहा गया कि करोना की चैन नूं तोड़न लई लंबे समय लई करफ्यू लाजमी होएगा। वीकेंड के करफ्यू का ज़्यादा असर नहीं होएगा। ब्यूरो रिपोर्ट अनेक पंजाब टीवी।